नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं होगा, इसकी चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 3 मई के बाद राहत और रियायत देने की भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार 3 मई के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ट्रेन और हवाई यात्रा फिलहाल बंद रहेगा। वहीं पीएम मोदी से लॉकडाउन की अवधि 24 मई तक बढ़ाने का आग्रह हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने किया। उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने तक लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि तबलीगी जमात जैसा घटना न हो। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 22 अप्रैल को दक्षिण पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश व वज्रपात होने की संभावना है। कल गिरिडीह में वज्रपात होने से 6 परिवार के एक संयुक्त घर में आग लग जाने की सूचना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाजार मोबाइल ऐप का किया लॉन्च। खबरों के अनुसार ग्राहक व दुकानदार दोनों को अपने मोबाइल में इस ऐप को रखना होगा। जब भी कोई व्यक्ति दुकान या सब्जी खरीदने के लिए जाएगा तो उसे मोबाइल से ही मोबाइल पास निर्गत करना होगा, जिससे उसे कोई भी परेशानी नहीं हो सके। मोबाइल ऐप से होम डिलीवरी की भी व्यवस्था किया जाएगा। दुकानदार प्रतिदिन सुबह 6 से लेकर शाम 9 बजे रात्रि तक 2 डिलीवरी बॉय रख सकते हैं। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन का पालन करवाना ही है। झारखंड में कल एक संक्रमित महिला की मौत होने से कुल मृतकों की संख्या 3 हो गई है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 45 है, जबकि 4 मरीज को अस्पताल से छुट्टी भी दिया गया। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 18,985 हो चुका है। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात किया। प्रोजेक्ट भवन में बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बच्चों और मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने बच्चों की समस्याओं पर पीएम मोदी से बात किया, पर पीएम ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। वहीं बीजेपी के नेता बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाहर फंसे सभी लोगों को वापस लाने की मांग की। अनुष्का ने 3 बच्चों को दिया जन्म। खबरों के अनुसार रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में अनुष्का बाघिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। अब अनुष्का के कुल बच्चों की संख्या 5 हो गई है। केंद्र से जारी गाइडलाइन के तहत ही झारखंड में छूट। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में बेहद सख्त शर्तों के साथ कुछ जरूरी सेवाओं में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लॉकडाउन के तहत कुछ सेवाओं में दी गई छूट में नियमों की अनदेखी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो तुरंत रियायतों को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ रहे संक्रमण के खतरे को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है और रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूर और बाहर फंसे मजदूरों के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो भी व्यक्ति जहां पर हैं वहीं पर लॉकडाउन में रहें, साथ ही उनका भोजन वहीं के लोकल अथॉरिटी उपलब्ध कराएगी, साथ ही उनके रहने के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोलकाता से साइकिल चलाकर बोकारो पहुंचा युवक। खबरों के अनुसार बोकारो का एक युवक जो एक पैर का दिव्यांग है, उसने कोलकाता से 500 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचा। युवक ने बताया कि कंपनी 500 रुपये प्रति सप्ताह देने की बात कही थी, लेकिन एक सप्ताह बाद पैसा देना बंद कर दिया। तब उसने मजबूर होकर साइकिल से ही निकल पड़ा। फिलहाल उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। धनबाद के मस्जिद में छिपे 10 इंडोनेशिया नागरिक को भेजा गया जेल। पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया। इनके खिलाफ वीजा नियम के उल्लंघन से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए और वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें तथा आप हमें कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।